मेरे सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियार एवं दादा गुरुदेव बाबा श्री गंगाईनाथ जी योगी के चरणों में साधन चरण वंदन करते हुए निवेदन करता हूं कि हमारा देश ही नहीं अपितु विश्व के लगभग 200 देश कोरोना बीमारी से भयंकर त्रस्त एवं पीड़ित हैं, जिसके कारण लॉकडाउन की स्थिति निर्मित हुई है एवं अथक प्रयास करने के बाद भी इस बीमारी पर नियंत्रण हेतु अभी तक किसी भी प्रकार की वैक्सीन तैयार करने में सफलता प्राप्त नहीं हुई है। WHO द्वारा भी इस बीमारी को महामारी घोषित कर दिया गया है। साथियों, इस बीमारी के पूर्व भी एड्स नामक एक लाइलाज बीमारी है, जिसका मेडिकल साइंस में अभी तक कोई इलाज संभव नहीं हो पाया है, लेकिन मेरे गुरुदेव के सिद्ध योग को अपनाकर देश विदेश के लाखों लोगों ने अपने जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन पाया है एवं एड्स के मरीजों द्वारा मेरे गुरुदेव की फोटो का सुबह शाम 15 मिनट ध्यान करने एवं गुरुदेव के संजीवनी मंत्र का जाप करने से वे ठीक हुए हैं। एड्स के हजारों रोगियों की पुष्टि मेडिकल जांच के उपरांत हुई है कि वे सभी ठीक हुए हैं, जिसके मेडिकल प्रमाण उपलब्ध हैं। मैं अनिल कुमार राठौर, पुलिस महानिरीक्षक महोदय, उज्जैन जोन उज्जैन के PA के पद पर कार्यरत हूं। मैं राज्य सरकार एवं भारत सरकार से निवेदन करता हूं कि सिद्ध योग के संबंध में परीक्षण करें एवं कोरोना से पीड़ित मरीजों में से 5-10 मरीजों को मेरे गुरुदेव का फोटो देकर एवं संजीवनी मंत्र का जाप करवाकर एक सप्ताह बाद उनकी डॉक्टरों से जांच करवाएं, परीक्षण करवाएं, तो निश्चित रूप से सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे एवं वे इस बीमारी से स्वस्थ हो जाएंगे। यदि मैं किसी प्रकार की अफवाह फैलाने या देश व समाज में अंधविश्वास फैलाने का प्रयास कर रहा हूं, तो मुझ पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे, लेकिन कार्यवाही करने के पूर्व मेरा राज्य सरकार एवं भारत सरकार से विनम्र अनुरोध है कि इस संबंध में विशेषज्ञ मेडिकल डॉक्टरों की एक टीम गठित करें एवं सिद्ध योग द्वारा जो मरीज ठीक हुए हैं उनके बारे में विस्तृत जांच करते हुए यह देखें कि वास्तव में एड्स के मरीज, कैंसर के मरीज एवं अन्य कई असाध्य बीमारियों के मरीज ठीक हुए हैं या नहीं, जिसके प्रमाण हमारे पास उपलब्ध हैं। जांच में वे सभी प्रमाण मैं मेडिकल शास्त्र के उपलब्ध करा सकते हैं, इसके पश्चात ही मुझ पर कार्यवाही की जाए। मैं अपने सभी गुरु भाई एवं बहनों से, सभी राजनेताओं से, जनप्रतिनिधियों से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से एवं प्रिंट मीडिया के प्रमुखों से निवेदन करता हूं कि मानवता के इस कार्य में सहभागी बने एवं मेरे गुरुदेव की फोटो को प्रसारित करें, संजीवनी मंत्र को प्रसारित करें, ताकि लोग इसे अपनाकर अपने जीवन में खुशहाली लाएं। और आज हमारा देश एवं विश्व के देश जो कोरोना बीमारी से त्रस्त हैं, वे स्वस्थ होने में उनको सफलता प्राप्त हो। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव।